सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात की थी जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, यानी अगर किसी कंपनी को बिजनेस करके प्रॉफिट ना कमाने के उद्देश्य से अगर इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो वो सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने डॉर्मेंट कंपनी के बारे में पढ़ा था कि जो डॉर्मेंट कंपनी होती है वो एक इनएक्टिव कंपनी है। इनएक्टिव कंपनी है इन सेंस कि अगर हम किसी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट तो हुई लेकिन उसका इंटेंशन किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को होल्ड करना, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना था, ना कि बिजनेस करना था। ठीक है, तो ये कल हमने बात की थी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और यस, सबसे पहले आज हम बात करेंगे ओपीसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपीसी का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम ओपीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, ये नोटिंग आप भी साथ साथ में कर सकते हैं, समरी हो जाएगी आपके पास, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एवरीथिंग इज रिटन इन दी नोट्स, बट फिर भी आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर नहीं चाहते हैं तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज रिटन इन दी नोट्स। तो जब मैं वन पर्सन कंपनी की बात करूंगी तो ये वन पर्सन कंपनी एक वन मैन आर्मी की तरह होती है। इसका मतलब कंपनीज एक्ट में ये एक ऐसी कंपनी का कंसेप्ट है जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा इनकॉर्पोरेट करवाया जा सकता है। कल मैंने आपको बोला था कि आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी या कोई भी कंपनी पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी, यानी या तो कोई कंपनी 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस को पूरा करेगी या कंपनी 2 सबसेक्शन 71 की कंडीशन को पूरा करेगी। मतलब आप कंपनीज एक्ट में किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, या तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस को फॉलो करती हुई मिलेगी या पब्लिक कंपनी की कंडीशंस को फॉलो करती हुई मिलेगी। ठीक है, एनी कंपनी। अब जब मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी हो, या तो प्राइवेट कंपनी की कंडीशन को पूरा करती हुई होगी या फिर पब्लिक कंपनी की कंडीशन को पूरा करती हुई होगी। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर टू, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स? सेवन। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो सेवन, हाँ बिल्कुल ठीक, सेवन शिवम, बिल्कुल ठीक, सेवन। तो 7 मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 चाहिए। कम से कम 2 लोग होंगे तभी वो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट ये तो नाम ही क्या है, वन पर्सन कंपनी, यानी इस कंपनी में तो ओनली वन मेंबर होगा। वन मेंबर होगा इसका मतलब मिनिमम भी वन मेंबर होगा और मैक्सिमम भी वन मेंबर होगा, केवल एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकता। अब फिर ये वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी की कंडीशन को पूरा करेगी या पब्लिक कंपनी की कंडीशन को पूरा करेगी? क्या वन पर्सन कंपनी, अभी तक आप जो जानते हैं उस हिसाब से, क्या वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस को पूरा कर सकती है क्या? नो मैम, नहीं कर सकती ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो कम से कम 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक कंपनी की कंडीशन को तो बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्ट किया गया और बोला गया कि ये जो वन पर्सन कंपनी है, जिसे शॉर्ट में, जिसका निकनेम ओपीसी है, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह होगी, एक्सेप्ट मिनिमम नंबर ऑफ
मेंबर्स, यानी ओपीसी प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस को पूरा करेगी, केवल मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर वाली कंडीशंस को छोड़ दीजिए। यानी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल, सॉरी, जिस तरह प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने पे प्रोहिबिशन है, ओपीसी को भी है। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है, उसी तरीके से ओपीसी के भी है, ठीक है। लेकिन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर वाली बात छोड़ दीजिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200, लेकिन 1% कंपनी में मिनिमम मेंबर भी 1 होगा और मैक्सिमम मेंबर भी 1 होगा। बाकी सब कंडीशंस ये किसकी वाली पूरी करेगी? प्राइवेट कंपनी की तरह कंडीशंस को पूरा करेगी। प्राइवेट कंपनी जो जो बातें मानती है वो ओपीसी भी मानेगी। अब दूसरी बात कि कौन व्यक्ति प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। बोले कि जो व्यक्ति ये 3 कंडीशन पूरी कर दे वो व्यक्ति ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन, दैट पर्सन मस्ट बी इंडियन सिटीजन। वो भारतीय, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ही मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हमारे आपके जैसे हैप्पी बर्थडे आता हो, नेचुरल पर्सन। और तीसरी कंडीशन, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब इनकम टैक्स वाला नहीं है, यहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज, ठीक है, इंडिया में स्टे किया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले साल कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो, वही व्यक्ति 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। यानी अगर मिस्टर बबलू 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो बबलू जी को ये 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट? PFI का मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है क्या? हाँ, एक सेकेंड, आप एक मिनट होल्ड करिए, रुकिए। हाँ देखिए, अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यस, पीएफआई का मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही होता है। मैं आपको नोट्स में प्रोविजन दिखा रही थी, इसलिए मैंने वहाँ आपको 2 मिनट होल्ड करवाया। अब आप देखिए क्या लिखा है, अ कंपनी विच हैज ओनली A company which has only 1% as a member, यानी OPC के register of member में कितने लोगों का नाम लिखा जाएगा, बताइए कितने लोगों का? एक, हाँ, केवल और केवल एक। दूसरी बात, OPC किस प्रकार की होती है? प्राइवेट कंपनी के प्रकार की होती है, बट OPC लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इसमें शेयर कैपिटल भी हो सकती है, गारंटी भी हो सकती है, सब कुछ चलेगा। कंपनीज एक्ट कहता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ये 3 बातें जो पूरी कर दे वही 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, रेसिडेंट इंडिया का मतलब? Yes, ma'am. वो जो व्यक्ति प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नॉमिनी रहा हो, ठीक है। अब कहना था कि ये ओपीसी जो है ये पार्टली प्राइवेट कंपनी है ना, मतलब फुली तो नहीं है, तो पार्टली कह सकते हैं ना? ऐसे पार्टली शब्द मत यूज कर कीजिए, इट्स, इसकी बजाय ऐसे बोलिए, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट मेंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ मेंबरशिप, ऐसा शब्द यूज कीजिए, पार्ट शब्द नहीं यूज कीजिए। क्योंकि एक्चुअली क्यों मना कर रही हूँ मैं आपको ये शब्द यूज करने के लिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा बोलेंगे और वैसा ही हम एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, है ना?
तो बजाय इसके अपन क्या बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट मेंबरशिप, ठीक है? ओके चलो तो आगे बढ़े। एक्सेप्ट के बाद क्या बोला था? एक्सेप्ट नंबर ऑफ मेंबरशिप, नंबर ऑफ मेंबर्स कर लीजिए, बेटर वुड वर्जन वुड बी एक्सेप्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। अच्छा मेरे किसी को स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रही ना, मेरे हिसाब से हम मॉडरेट स्पीड पे चल रहे हैं। इज एनीवन फीलिंग की स्पीड ज्यादा है तो मुझे बताइएगा। नो मैम एकदम सही स्पीड है ना। किसी को अगर लगता है स्पीड ज्यादा हो रही, बिकॉज फेस टू फेस क्लासेस का फ्लेवर अलग होता है, ऑनलाइन में आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं तो है ना कंटेंट, बिकॉज यूट्यूब वीडियो देखना और व्हाट्सएप वीडियो देखना अलग बात है, बट यहाँ पे तो आपके करियर से रिलेटेड वीडियोस चल रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस भी होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी में कुछ निकल ना जाए ध्यान रखें। ठीक, अब एक बात करेंगे नॉमिनी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी के बारे में आपको एक बात बताऊं कि वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ठीक है, 2013 में इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 आया था, लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट में पहली बार ओपीसी के कंसेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले ग्लोबली हर कंपनी में ओपीसी होती थी, हर कंपनी में कम से कम एक मेंबर को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट में नहीं था। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया इस कंसेप्ट को, ताकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि अगर मैं भी इंडिविजुअल अकेले अगर मैं कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहती हूँ तो मुझे कंपनी बनाने का अधिकार हो। और ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? वन पर्सन कंपनी के थ्रू। अब वन पर्सन कंपनी का जो मेंबर है, जो सिंगल मेंबर है, राइट, एक्सक्यूज मी, वन पर्सन कंपनी का जो सिंगल मेंबर है मिस्टर बबलू, कंपनीज एक्ट कहता है इसको अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। इन्होंने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया मिस बबली को। ठीक है, चॉइस नहीं है, नॉमिनी अपॉइंट ही करना पड़ेगा, नॉमिनी अपॉइंट ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है बबलू के पास। ठीक है, इस नॉमिनी का नाम वन पर्सन कंपनी के एमओए में लिखा जाएगा, यानी बबलू अगर नहीं रहते हैं, अगर बबलू अवेलेबल नहीं है दुनिया में, तो फिर बबलू के शेयर या बबलू की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली इनके नॉमिनी को, मिस बबली को ट्रांसफर हो जाएगी। तो बबलू को अपना नॉमिनी का नाम एमओए में लिखना ही पड़ेगा। अब नॉमिनी कौन बन सकता है? बबलू के जैसा ही कोई नॉमिनी बन सकता है। बबलू के जैसे का मतलब जो व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो, जो व्यक्ति नेचुरल पर्सन हो, जो व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया हो, वो नॉमिनी बन सकता है। जैसा बबलू खुद है, अपने ही जैसी कंडीशंस को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है। और कितने नॉमिनी अपॉइंट किए जाएंगे? एक। नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा जाएगा? वन पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, अब एक बात, अगर बबलू ने एक वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, है ना, बबलू ने अगर एक ओपीसी बना ली, तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे बबलू दूसरी ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। यानी एक व्यक्ति एक, हाँ बोलो बोलो बोलिए, एक व्यक्ति एक समय पे एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। अगर मैंने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर ली, तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं दूसरी कंपनी की दूसरी ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। अगर मैं एक ओपीसी की सिंगल मेंबर हूँ, तो सेम टाइम पे किसी दूसरी ओपीसी की सिंगल मेंबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से वॉइस,
वॉइस ऑडिबल है? इज वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके ठीक है, चलिए जस्ट तो जैसा व्यक्ति, मतलब मैंने हमने बोला कि एक व्यक्ति एक समय पे एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है, और एक व्यक्ति एक समय पे किसी एक ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी हो सकता है। यानी अगर बबली बबलू की नॉमिनी बन गई, बबलू कौन है? ओपीसी के मेंबर। अगर बबलू की नॉमिनी बबली बन गई तो बबली किसी दूसरी ओपीसी के मेंबर की नॉमिनी नहीं बन सकती। एक समय पे आप किसी एक ही ओपीसी के मेंबर के नॉमिनी हो सकते हो, एक समय पे आप एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये वाली बात समझ में आ गई तो बताइए, अदरवाइज मैं आपको, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? देखिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये लाइन अभी जो मैंने आपको बताई, नो पर्सन एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन सच कंपनी। माइनर मेंबर जो है, माइनर मतलब जिसकी व्यक्ति की एज 18 से कम है, वो व्यक्ति ना तो ओपीसी का मेंबर बन सकता है ना ही बेनिफिशरी बन सकता है। मतलब ना तो नॉमिनी बनेगा ना मेंबर बनेगा और ना ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब माइनर का ओपीसी से कोई लेना देना नहीं है। एक ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई कंपनी वन पर्सन कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नाउ जो भी वन पर्सन कंपनी है कैन नॉट कैरी एनबीएफसी एक्टिविटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की एक्टिविटी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जो कि बैंक नहीं है, है ना, बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करती है। मतलब कोई कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस उधार लेना और उधार देना हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग। लिख लीजिए, नॉन, एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC stands for non-banking financial company, ठीक है। और OPC ना तो NBFC के जैसे activity carry कर पाएगी और ना ही किसी दूसरी बॉडी कॉरपोरेट में इन्वेस्ट कर पाएगी। यानी नॉन बैंकिंग एक्टिविटी करने पे भी मना किया गया है, और क्या बोला, कोई भी वन पर्सन कंपनी किसी दूसरी बॉडी कॉरपोरेट, मतलब किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज शेयर्स भी नहीं खरीद सकती, मना किया गया, ठीक है। नाउ ओपीसी के बारे में एक और आपको लाइन डायग्राम ड्रॉ करवा रही हूं, वो कर लीजिए आप भी साथ साथ।
कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी. एक ओपीसी क्या दूसरी प्रकार की कंपनी में, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है क्या? दो तरीके हैं, वॉलेंट्री और कंपल्सरी. वॉलेंट्री आफ्टर, नोट करते जाइए इसको, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसके 2 साल एक्सपायर हो जाने के बाद आप किसी दूसरी तरीके की कंपनी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, कंपल्सरी का मतलब चॉइस नहीं है, ओपीसी का स्टेटस बदल के किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी का करना ही पड़ेगा. कब? इफ पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स 50 लाख और एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़. अगर किसी कंपनी की, अगर किसी कंपनी मतलब किसी वन पर्सन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो फिर कंपलसरी दूसरी काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. इसका मतलब अदरवाइज क्या हो गया, किसी भी वन पर्सन कंपनी में मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो सकती है? 50 लाख. किसी भी वन पर्सन कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है? 2 करोड़. दोनों में से कोई भी कंडीशन वॉयलेट हो गई, अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ. अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्जन करना ही पड़ेगा. ठीक है, पूछिए, कोई डाउट है क्या? ये बात समझ में आ गई सबको? नोट भी कर लिया? यस मैम. ओके, चलिए. ये पैरा यही कहता है, जो ये 2 पैरा यहां पे लिखे हुए हैं ये यही बात करते हैं. और जब भी कोई वन पर्सन कंपनी किसी दूसरी काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट होगी तो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को भी चेंज किया जाएगा और 60 दिन के अंदर अंदर, अगले 60 डेज के अंदर अंदर ये बात आरओसी को बता देनी पड़ेगी. क्या बात? कि भाई हमने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर को एक्सीड कर लिया है तो हम अब ओपीसी का स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते. वन पर्सन कंपनी को 6 महीने के अंदर कन्वर्जन करना है और 60 डेज के अंदर अंदर ये बात आरओसी को इंटीमेट कर देनी है कि अब हम वन पर्सन कंपनी का स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अगली बात कि ये वन पर्सन कंपनी बनाने का बेनिफिट क्या है. पहला बेनिफिट, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स. इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का मतलब अगर कोई अकेला व्यक्ति, मैं या आप, इंडिविजुअली अगर हम कंपनी बनाना चाहते हैं तो हम अब कंपनी बना सकते हैं क्योंकि इंडिया में वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आ चुका है. ठीक है. और वन पर्सन कंपनी कौन बनाएगा? स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स. ठीक है, तो स्मॉल और बिजनेसमैन ट्रेडर्स के लिए इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. नाउ दे कैन डू देयर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट फॉर्म में ना, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं. वन पर्सन कंपनी का और फायदा क्या है? वन पर्सन कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस कम है, उन्हें कम रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, बैलेंस शीट, ऑडिट एक्सेट्रा के झंझट उनको नहीं है. ऐसा नहीं है बैलेंस शीट बनानी नहीं पड़ती, बट रिलैक्सेशंस हैं उनके, उसके लिए भी कुछ उनको. ठीक है, तो दीज 3 आर दी बेनिफिट्स फॉर वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेट करने का पर्पज़ क्या है? अब अगली एक बात,
अगर किसी वन पर्सन कंपनी के मेंबर ने किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाया, जैसे बबलू ने बबली को अपना नॉमिनी बनाया, अब क्या करें? बबली बबली को डरा धमका के गन पॉइंट पे बोले नॉमिनी बनना पड़ेगा, या बबली की पहले कंसेंट लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कंसेंट लेनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति का को अगर आप नॉमिनी बनाते हैं तो उसकी प्रायर कंसेंट लेनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर बबली ने अपनी प्रायर कंसेंट तो दे दी, बबली नॉमिनी बन गई, लेकिन अब बबली चाहती है कि मैं बबलू की नॉमिनी न रहूं, ठीक है? अब वो बबलू से परेशान हो चुकी हैं और उनकी नॉमिनी नहीं रहना चाहती, तो वो क्या कर सकती हैं? अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकती हैं, अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकती हैं। और विड्रॉ करने का मतलब कैसे? रिटर्न नोटिस। विड्रॉ करने का मतलब रिटर्न नोटिस, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए कि बबली अपनी कंसेंट विड्रॉ करके ये बात किसको बताएंगी? बबली अपनी कंसेंट विड्रॉ करके ये बात किसको बताएंगी? कंपनी को बताएगी, वन पर्सन कंपनी को बताएगी। उनको कंपनी ने नॉमिनी अपॉइंट किया था क्या? वन पर्सन ने किया था ना मैम, जिसने वो किसने किया था उनको नॉमिनी अपॉइंट? मेरे हिसाब से तो बबलू ने किया था। तो अपना कंसेंट विड्रॉ करके किसको बताएंगी? बबलू को बताएंगी, है ना? बबलू को ही बताना चाहिए। अब बबलू के लिए नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी था या ऑप्शनल था? मैंडेटरी था। बबलू के लिए नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी था। तो अब बबलू क्या करें? अगले 15 दिन के अंदर अंदर बबलू क्या करेंगे? न्यू नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, ठीक है? और अब बबलू नया नॉमिनी अपॉइंट करके ये बात किसको बताएं? आरओसी को बताएं। बबलू का क्या लेना देना आरओसी से? बबलू का क्या लेना देना आरओसी से? बबलू अपना नया नॉमिनी अपॉइंट करके किसको बताएं? वो तो आरओसी को बताएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम तो ऐड कराएगा, एमओए में उसका नाम ऐड कराएगा ना वो। एमओए में नाम ऐड कराएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एमओए में नाम ऐड कराएगा। एमओए किसका डॉक्यूमेंट है, आरओसी का या कंपनी का? कंपनी का है। कंपनी का। तो बबलू ये बात किसको बताए कि मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है? कंपनी को। हाँ, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी भगवान है। आपको लगता है नहीं सुनती है, लेकिन सब सुनती है कंपनी, ठीक है? तो बबलू नया नॉमिनी अपॉइंट करके किसको बताएगा? कंपनी को। और कंपनी अपने एमओए में क्या करेगी? बबलू के नॉमिनी की जगह, बबलू अब बबली की जगह, बबलू के नॉमिनी बबली थी, अब बबली की जगह ओपीसी क्या करेगी? नए नॉमिनी का नाम अपने एमओए में लिख लेगी, ऐसा ही होगा? अच्छा। और ओपीसी ये बात किसको बताएगी? आरओसी को, 30 डेज के अंदर अंदर। और आरओसी के पास जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया होगा उसमें भी नए नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा। यानी बबली ने अपनी कंसेंट विड्रॉ की, बबली बबलू को बताए, बबलू ओपीसी को बताए, ओपीसी आरओसी को बताए, ठीक है? अगर बबलू की, अच्छा मान लीजिए ये सब झंझट नहीं हुआ, बबली आज भी बबलू की नॉमिनी है, बबलू की डेथ होते ही ऑटोमेटिकली मेंबरशिप किसके पास आ जाएगी? बबली के पास। और नॉमिनी क्या बन जाएगा? कंपनी का नॉमिनी अब क्या बन जाएगा? कंपनी का मेंबर बन जाएगा। और हाँ, और अपना अब नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? जी मैम। ओके, चलिए। ओपीसी या ओपीसी के किसी भी ऑफिसर ने अगर कोई काला कारनामा किया, काला कारनामा मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कंट्रावेंट किया, तो ओआईडी को, यहाँ पे ओआईडी का मतलब लिख लीजिए, मेरे नोट्स में बार बार ये शब्द रिपीट होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ओआईडी स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट।
दिस इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लगेगा 5,000 रुपए तक, और जब तक गलती चलती रहेगी 500 रुपए पर डे का फाइन लगता चला जाएगा। फाइन एंड पेनल्टीज आपको नहीं याद रहे तो भी चलेगा, बिकॉज हम बादाम तो खाते हैं बट अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिमाग तो हमारे पास है नहीं, तो फिर ये फाइन पेनल्टी नहीं भी याद रहे तो इट्स ओके, इसके लिए लोड नहीं लेंगे क्योंकि इतनी सारी फाइन एंड पेनल्टीज है, कितना याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर ओपीसी शेयर कैपिटल वाली है तो अपने सोल मेंबर को शेयर देगी या नहीं देगी, बताइए? बबलू को ओपीसी शेयर देगी या नहीं देगी? देगी मैम जरूर। और शेयर के शेयर के लिए बबलू को क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। और शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लगी होगी, क्या लगी होगी शेयर सर्टिफिकेट पे? कॉमन स्कीम। यहाँ पे एक शब्द लिखा है इफ एनी, कोई बताएगा? मैंने आपको समझाया था क्या मतलब है इफ एनी का? अगर डायरेक्टर्स के साइन में हो सकते हैं, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दे, और अगर कॉमन सील नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट पे एक सीएस एक डायरेक्टर या फिर दो डायरेक्टर साइन कर दे। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अगर कॉमन सील होगी तो कॉमन सील एक विटनेस के प्रेजेंस में लगाई जाती है ना, कॉमन सील है तो कॉमन सील एक विटनेस के प्रेजेंस में लगाई जाती है। तो देखिए क्या लिखा है, कॉमन सील शैल बी अफिक्स्ड इन अ प्रेजेंस एंड साइंड बाय वन डायरेक्टर और वन पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, ठीक है, एंड सीएस ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। मतलब कॉमन सील किसकी प्रेजेंस में लगाई जाएगी, एक डायरेक्टर और एक सीएस की प्रेजेंस में लगाई जाएगी। ओके, यहाँ से बात समझ में आ गई? इसमें या फिर दोनों डायरेक्टर हो? हाँ, कोई भी। देखिए दो चीजें है ना, एक आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील लगाते हैं तो लगाने को क्या बोलते हैं टेक्निकली, कॉमन सील अफिक्स्ड की जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, ठीक है, कॉमन सील विटनेस की प्रेजेंस में अफिक्स की जाएगी। और विटनेस कौन बनेगा? विटनेस बनेंगे ये एक डायरेक्टर या पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एंड सीएस, मतलब कोई भी डायरेक्टर एंड सीएस विटनेस बन जाएंगे। ये तो हो गया एक काम, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में कॉमन सील अफिक्स की जाएगी। लेकिन अगर कॉमन सील अफिक्स नहीं की जा रही है तो फिर शेयर सर्टिफिकेट पे कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर और वन सीएस प्लस वन डायरेक्टर। ओके, क्लियर? अभी ठीक है बात? अभी ठीक है मैम। ओके, नाउ एनुअल रिटर्न। एक चीज होती है एनुअल रिटर्न, आपने रिटर्न वर्ड सुना होगा, जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, जीएसटी रिटर्न होते हैं, उसी तरीके से हर कंपनी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वन पर्सन कंपनी के एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा? वन पर्सन कंपनी का सीएस। और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो फिर कौन साइन कर दे? डायरेक्टर। तो कौन साइन कर दे? डायरेक्टर। सीएस है तो सीएस साइन कर दे एनुअल रिटर्न को, सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर दे। ये वाली बात आप अभी होल्ड करेंगे, लास्ट लाइन हम अगले किसी टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, अभी ये नहीं बता रही हूँ आपको पोस्टल बैलेट वाली कहानी, ठीक है? ये आप यहाँ से यहाँ तक काट दें। वन पर्सन कंपनी में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी बात अगर आपको कंफ्यूज करती है तो प्लीज आस्क। नो डाउट मैम। और मैम वो कल नोट्स वाली बात का क्या हुआ? मेरा सर से डिस्कशन नहीं हुआ, टुमारो आई लेट यू नो, ठीक है? अभी जो आज पढ़ाया वो सब है ना आपके पास भी? आज वाले कंटेंट में भी कुछ मिसिंग है क्या?
ओबीसी में तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन कल वाले में मिसिंग था ना। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी आज। चलिए अगली बात, अगली टाइप ऑफ कंपनी हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, बट जिसकी मोर देन 51% ऑफ शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के प्लस, या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सरकार ने अगर किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर खरीदे हुए हैं तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट कंपनी का मतलब, जैसे आपने नाम सुना है क्या BSNL, नाम सुना है BSNL, yes, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, कोल इंडिया, NTPC, HPCL, BPCL, ये सब क्या हैं? गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इनमें आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की है। बट गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट इक्वल्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी रेलवेज क्या है, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? रेलवेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं वो किसके एम्प्लॉई माने जाते हैं? गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉईज को सैलरी कौन देता है बताइए? इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉईज को सैलरी कौन देता है? सरकार। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होती, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉईज को सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट कंपनी देगी। बात समझ में आ गई? अगर गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग है और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी क्या मान लेना? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। इतनी बात ओके? नोट्स में आपको डेफिनेशन दिखा रही हूँ गवर्नमेंट कंपनी की, एक बार रीड करेंगे, पढ़ लीजिए गवर्नमेंट कंपनी। और यहां पे एक शब्द ध्यान रखिएगा, आधे से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल। पढ़ लिया? कुछ पूछना? yes. कुछ पूछना है? एसजी का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जैसे सीएमएस को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है गवर्नमेंट कंपनी में, ऐसे भारी भरकम मोटी ताजी सैलरी देती है गवर्नमेंट कंपनीज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को। चलिए अगली कंपनी के बारे में बात करेंगे, फॉरेन कंपनी, आज का लास्ट कंसेप्ट। अच्छा यहीं से पढ़ते हैं। देखिए फॉरेन कंपनी, जब मैं फॉरेन कंपनी की बात करूंगी, विदेशी कंपनी, अब कंपनी ही विदेशी है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अगर कंपनी ही विदेशी है अपने तो देशी बात करें, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करें, हम विदेशी कंपनी के बारे में क्यों बात करें? तो फॉरेन कंपनी का मतलब
फॉरेन कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन कंपनी कहलाने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो, उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो, इंडिया के बाहर। यानी अगर कोई कंपनी जर्मनी में इनकॉर्पोरेट हुई है, वॉइस ऑडिबल है ना सबको? यस मैम, ज्यादा अच्छे से आ रही है। क्या बोल रहे हैं? यस मैम ऑडिबल है। ऑडिबल है ना, अच्छा ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जर्मनी में हुआ है तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी होने की कंडीशन को पूरा करती है, क्योंकि उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। दूसरी कंडीशन, इनकॉर्पोरेशन तो भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हो? इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब किसी भी तरीके से वो इंडिया में काम करे, चाहे खुद करे, फिजिकल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस, एजेंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, किसी भी तरीके से वो कंपनी इंडिया में काम करे, काम करे इंडिया में और प्लेस ऑफ बिजनेस हो इंडिया के, सॉरी, प्लेस ऑफ बिजनेस हो इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस हो इंडिया में और इनकॉर्पोरेशन हो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए इंडिया से। बिजनेस एक्टिविटी इंडिया का मतलब कोई भी काम इंडिया में हो, चाहे माल बेचना, चाहे माल खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, सर्विस देना, सर्विस लेना, कोई भी काम इंडिया में होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो और बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया से कैरी ऑन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो हम उस कंपनी को क्या कह देंगे? हम उस कंपनी को फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है, और फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस लगते हैं, वो आप सीएमए फाइनल में जब आ जाएंगे तो पढ़ेंगे। इंटर लेवल पे हमारे पास केवल फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है। ठीक, एक बात और यहाँ पे आज मैं बताना चाहूँगी, ये जितनी भी डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, देखिए सबके अलग अलग सबसेक्शन हैं, लेकिन अगर किसी भी कंपनी की डेफिनेशन आपके पास आ जाए तो आप सेक्शन टू लिख सकते हैं। सेक्शन टू किसी भी एक्ट में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे जीएसटी लॉ हो, हर एक्ट में सेक्शन टू डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। तो सेक्शन टू आप डेफिनेशन, यानी ओपीसी के बारे में बात करें एज पर सेक्शन टू ऑफ कंपनीज एक्ट, आप फॉरेन कंपनी के बारे में बात करें एज पर सेक्शन टू ऑफ कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन टू ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।